दूध कौन से जानवर का सबसे अच्छा होता है? बेटी, दूध तो भैंस का ही सर्वोत्तम होता है। फिर तो आपको भैंसशाला चलानी चाहिए स्वामी जी। आप गौशाला चलाते हैं और दूध भैंस का सबसे अच्छा बता रहे हैं। वो इसलिए बेटी क्योंकि आपने दूध के विषय में पूछा है और दूध भैंस का ही उत्तम होता है। तो फिर गाय का दूध स्वामी जी? बेटी, गाय का दूध दूध नहीं, अमृत होता है। और हमारे लिए गाय जानवर नहीं, हमारी माँ है। वो कैसे स्वामी जी? बेटी, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, गावो विश्वस्व मातर, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। बेटी, गाय ही संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके अंग अंग से संसार को लाभ प्राप्त होता है। गाय दया, ममता और त्याग की देवी है। गाय लोक मंगल का स्वरूप है। लोक मंगल का स्वरूप है? वो कैसे स्वामी जी? हाँ बेटी, गाय का दूध पीने से शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है। गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 6 प्रकार के विटामिन्स, अनेकों प्रकार के एमिनो एसिड्स और न जाने कितने प्रकार के दुर्लभ तत्व प्राप्त होते हैं। इट्स अ कंप्लीट एंड होलसम फूड। ये मानव शरीर के प्रत्येक रोगों के लिए वरदान है, इसीलिए ये अमृत है। अब तुम गौमूत्र को ही ले लो। गौमूत्र बेटी अद्भुत औषधि है और हमारे आयुर्वेद में तो कई सारी जीवन रक्षक दवाएं गौमूत्र को केंद्रित करके ही बनाई जाती हैं। अच्छा, क्या आपको पता है अमेरिका अपनी दवाइयां बनाने के लिए काउ यूरिन इंडिया से ही इंपोर्ट करता है? Really? अब आओ गोबर पर, काउ डंग, जिसका अज्ञानी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, वही गोबर ईंधन और खाद यानी कोल और मैन्योर का काम करता है। इट्स अ नेचुरल फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। आपको पता है बेटी, गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर गोबर लेपने से उन पर सूर्य की सख्त और विषाक्त किरणों का असर ही नहीं होता। बेटी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के खुरों से उड़ी धूल यानी गोधूली अपने मस्तक पर लगाना तमाम तीर्थों में स्नान करने के बराबर है। लेकिन स्वामी जी, आपने ये गौशाला खोलकर जो बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायों को शेल्टर दिया है, अगर कोई कसाई इन्हीं गायों को काटकर उनका मांस अगर बाजार में बेचता है, उसे तो 30-40 हजार का लाभ हो सकता है। लेकिन आपने तो इन बूढ़ी गायों को शरण देकर उसके पेट पर तो लात मार दी है। उस बेचारे का तो रोजगार छिन गया है स्वामी जी। हम कितने एहसान फरामोश हो गए हैं बेटी। चलो आज एक कैलकुलेशन करते हैं। एक गाय 20 से 25 साल जीती है, वो अपने जीवन काल में 15 साल हर रोज 15 से 20 लीटर दूध देती है। इसका मतलब एक साल में हुए तकरीबन 7,000 लीटर दूध और 15 साल में हुए 1,05,000 लीटर दूध। अब आप अंदाजा लगा लो, 1 लीटर दूध कितने का बिकता है और 1,05,000 लीटर दूध कितने का बिकेगा। अब तुम वैसे ही गोबर और गौमूत्र का भी गणित जोड़ लो, तुम्हारी आंखें फटी और खुली रह जाएंगी कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में कितने करोड़ों रुपए मनुष्य को कमा कर देती है। बेटी, अनेक इंडस्ट्रीज काउ डेयरी और उसके बाय प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई है। और ये गणित यहीं खत्म नहीं होता बेटी। उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी चमड़ी, उसकी अस्थियां भी काम में आती हैं। उससे भी लोग पैसे कमाते हैं।
और आप 30-40 हजार रुपयों की खातिर उस ममता की मूरत को जीवित काट कर व्यापार करने की बात कर रही हो, उसे खाने की बात कर रही हो, और कितना त्याग कितना उपकार चाहिए एक प्राणी से। जिस मां ने अपने जीवन काल में हमें इतना धन दिया हो, हमारी सेवा की हो, उसके वृद्ध हो जाने पर, उसके बीमार हो जाने पर हम उसका त्याग कर दें, उसे अबैंडन कर दें, बेकार है ऐसी सोच को। बेटी अपनी मां के वृद्ध हो जाने पर उसे बेचा नहीं जाता, उसे काटा नहीं जाता, उसकी सेवा की जाती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ स्वामी जी, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजुडिस भी तो हो सकता है, क्योंकि आप एक हिंदू हैं। ओ मैडम जी, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा नाम इस्लाम मुन्ना शेख है, और मैं इस आश्रम का ग्वाला हूँ, और हमारे कुरान पाक में कहीं भी गाय के गोश्त को खाना नहीं लिखा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर गाय हिंदुओं की माँ है तो गाय हमारी भी माँ है।